साला टूट चुका हूं यार, खत्म हो चुका हूं। खत्म हो गया भैया मैटर। वेलकम बैक टू द चैनल। हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मेरा नाम है बातो और आप देख रहे हैं बीआर एंटरटेनमेंट YouTube चैनल। इस वीडियो पे मैं आज करने वाला हूँ DJI Mini 3 Pro का अनबॉक्सिंग एंड टेस्ट, उसी के साथ प्लाइमोर किट प्लस का भी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, आइए देखते हैं, मजा आएगा। तो ये है हमारा DJI का ड्रोन, खोल लेते हैं इसे। तो इसे रख लेते हैं साइट, फिर देखते हैं बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है। इसके अंदर हमें फिर इनबिल्ट डिस्प्ले के साथ रेडियो कंट्रोलर मिल जाता है। ये है इसका रिमोट कंट्रोलर, देख सकते हैं आप, इसे भी रखते हैं साइट। और इसके साथ हमें इसका डॉक्यूमेंटेशन देखने को मिल जाता है। यह है वो डॉक्यूमेंटेशन, इसमें USB सी का केबल मिला है और यूज़र गाइड, इसे आप पढ़ के ड्रोन उड़ा सकते हैं। इसे रखते हैं साइड, जिसे हम बाद में देख लेंगे। और इस बॉक्स में हमें एक्स्ट्रा प्रोपेलर देखने को मिलता है, जिसे यहाँ रख देते हैं। अब इस बॉक्स में कुछ नहीं है, बाकी सब कुछ खाली है, इसे रख देते हैं साइड। और यह है दूसरा बॉक्स, जो है DJI Mini 3 Pro Plymouth Kit Plus। तो चलिए इसे भी खोल के देखते हैं। इसके अंदर एक बैग है, इसी बैग पे आप ड्रोन को कैरी कर सकते हैं। और बॉक्स के अंदर कुछ नहीं है, तब इसे खोल लेते हैं, खोल के देखते हैं। तो इस कैरी बैग के अंदर हमें देखने को मिलता है फिर से डॉक्यूमेंटेशन, जिसे रख देते हैं साइड। और यहाँ फिर से हमें देखने को मिलता है एक्स्ट्रा प्रोपेलर, जो कि क्रैश होने पर हमें इसे फिर डाल सकते हैं। उसी के साथ ये टूल, जो ये एक स्क्रू ड्राइवर है, जिसे हम ड्रोन का प्रोपेलर चेंज कर सकते हैं, तो इसे भी रखते हैं साइड। तो ये है हमारा बैटरी पैक, इसे भी खोल लेते हैं। तो इसमें दो बैटरी देखने को मिल रहा है, इसमें तीन बैटरी डाल सकते हैं। चार्जिंग के लिए USB टाइप सी से आप चार्ज कर सकते हैं, और इसे पावर बैंक की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। USB A आउट दिया गया है, जिससे आप फ़ोन चार्ज कर सकते हैं या कुछ भी अपने डिवाइस को चार्ज कर सकते हैं। तो बैटरी हम निकाल के देखते हैं, बैटरी काफ़ी हल्का है, दो बैटरी, एक तो ड्रोन के साथ है। तो इसे देख लेते हैं, और कुछ तो नहीं है। इसी के अंदर हमें फिर देखने को मिलता है USB टाइप A टू टाइप सी का केबल, जिसे भी रख देते हैं टेबल पे। और यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा प्रोपेलर देखने को मिलता है, उसे भी रख देते हैं यहाँ पे। और ये तो है इसका बिल्डिंग। अभी हम देखते हैं अपने ड्रोन को, ड्रोन को खोल के देखते हैं। इसका आर्म यहाँ से फोल्ड होता है, तो इसे खोल लेते हैं। और ये फ्रंट आर्म जो रोटेट होता है, तो इसे रोटेट कर लेते हैं। और इस पर आपको देखने को मिलता है गिम्बल, तो इसे यहाँ से खोल लेना है। मजे की बात, अब इस लेंस से वर्टिकल शॉट भी ले सकते हैं, रील्स वगैरह के लिए आप शूट कर सकते हैं वर्टिकल मोड से। चलिए इसे रखते हैं यहाँ पे। अभी हम देखते हैं RC को, इसका रिमोट है। तो इसी के पीछे हमें इसका जॉयस्टिक देखने को मिल जाता है, जिसे स्क्रू करके हम डाल लेते हैं। दूसरा भी यही है, तीन स्विच देखने को मिल रहा है यहाँ पे। राइट की स्विच ऑन ऑफ करने के लिए मिडिल वाले से आप सीधे नॉर्मल और स्पोर्ट मोड पे स्विच कर सकते हैं। और ये है रिटर्न टू होम की, साथ ही दो जॉयस्टिक, जिससे हम ड्रोन को कंट्रोल करेंगे। जैसे कि दोस्तों आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको डेडिकेटेड की देखने को मिल रहा है राइट वाला कैमरे के लिए, और दूसरा लेफ्ट में है जो है वीडियोग्राफी के लिए। राइट वाला गिम्बल व्हील जूम इन जूम आउट के लिए, लेफ्ट वाला गिम्बल व्हील अप एंड डाउन के लिए। ड्रोन के फ्रंट में हमें देखने को मिलता है दो ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग सेंसर, उसके नीचे भी दो सेंसर देखने को मिल जाता है, और साथ ही दो कूलिंग वेंट्स। सेंसर के पीछे दो और सेंसर देखने को मिल जाता है, और साथ ही दो कूलिंग वेंट्स देखने को मिल जाता है। ड्रोन के पीछे हम माइक्रो एसडी कार्ड डाल सकते हैं, साथ ही टाइप सी का पोर्ट देखने को मिल जाता है, जिसे हम फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं PC पे। बात करें RC की, तो आपको दो टाइप सी पोर्ट मिल जाता है, एक इन और एक आउट विद माइक्रो SD कार्ड पोर्ट। तो अभी ड्रोन को कर लेते हैं ऑन, शॉर्ट एंड लॉन्ग प्रेस करने पे ड्रोन हो जाता है ऑन, और कंट्रोलर को भी इसी तरह ऑन कर लेते हैं। ऑन हो जाने पर RC से ड्रोन ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो दोस्तों, मेरा घर रेस्ट्रिक्टेड एरिया पे पड़ता है, उसके लिए मुझे ड्रोन बाहर उड़ाना होगा। एक अच्छा सा लोकेशन ढूंढते हैं, वहीं पे ड्रोन उड़ाते हैं। ड्रोन टेस्ट करने के लिए काम की तरफ जा रहा है, साथ है मेरा बड़ा भैया। जैसे कि आप लोग भी देख रहे हो, यहाँ पे पूरा बारिश हो रहा है, बारिश ही बारिश हो गया। तो फाइनली दोनों लबोग रिजोर्ट पहुँच गए, जो कांबा में पड़ता है। दोस्तों, ड्रोन का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जाके आप प्राइस चेकआउट कर सकते हैं। अगर आपको ड्रोन परचेस करना है तो ऑफलाइन मार्केट से भी प्राइस चेकआउट कर सकते हैं, मेरे ख्याल से वहाँ प्राइस आपको कम देखने को मिल जाएगा।
तो फाइनली टेक ऑफ टाइम। दोस्तों मैं YouTube पे ऐसे ही वीडियो बनाते रहता हूँ, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों ड्रोन अभी जस्ट क्रैश हो गया, और क्रैश होने के बाद ड्रोन जो ख़राब हो गया, अभी वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उसका ड्रोन बनता है नहीं बनता है उसका अपडेट आपको जरूर देगा।